नमस्कार, मैं हूं नवीन और आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी मन्नत। श्रद्धालुओं से मंदिर खचाखच भरा था। भगवान के आसन तक पहुंचने के लिए मीलों लंबी कतार थी। भगवान को भी सबकी फरियादें सुनते सुनते थकान सी हो चली थी। वे अपने विश्राम के समय के इंतजार में थे। वे घड़ी पर टकटकी लगाए थे कि कब दोपहर के 1 बजे और मंदिर 1 घंटे के लिए बंद हो। 1 बजा और मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो गया। 3 श्रद्धालु मंदिर के अंदर ही रह गए। भगवान जी आंख मूंद कर विश्राम की तैयारी में उन तीनों को बारी बारी से सुनते हैं। एक ने भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझे नौकरी दिला दो। भगवान ने सोचा, चलो अब 2 और बचे हैं, 2 की सुन लूंगा तो मेरा 1 बज जाएगा। दूसरा आदमी वहीं दंडवत होकर, भगवान मेरी शादी करा दो, अगले साल 40 का हो जाऊंगा, जोड़े में आकर माथा टेकूंगा। भगवान ने राहत की सांस ली, चलो बस आखिरी बचा है। वकील साहब अपनी काली कोट में थे, नतमस्तक होकर, भगवान मुझे सही सलामत रखना। उंघाई ले रहे भगवान को झटका सा लगा। उन्होंने सोचा कि पेशे से वकील है, मुझे फंसा सकता है। उन्होंने अपनी आंखें खोली और वकील से बोले, तुमको किसी से खतरा है? वकील साहब भौंचक्के रह गए। उनको लगा कि उनके कान बज रहे हैं। भगवान ने फिर बोला, लोग धन दौलत मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, संतान मांगते हैं। तुम पहले आदमी हो जिसने यह विचित्र मन्नत मांगी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी किससे दुश्मनी है। वकील साहब होश संभालते हुए भगवान से बोले, नहीं प्रभु, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे स्वस्थ रखें, बाकी तो मैं देख लूंगा। भगवान, देख लूंगा, विस्तार से बताओ। भगवान, यदि मैं शरीर से सही रहूंगा तब मैं धन वैभव कमा सकता हूं। यदि सब कुछ आप दे देंगे और मैं बीमार रहूं तो ऐसा ऐश्वर्य मेरे किस काम का? मैं खटिए पर भोगूंगा और दूसरे लोग उस धन का भोग करेंगे। भगवान को वकील बड़ा रोचक मनुष्य लगा। वे वकील से बोले, तुम्हें स्वस्थ रखने का काम मैं नहीं कर सकता। अरे प्रभु, ऐसा मैंने क्या मांग लिया? आप तो लोगों को हजारों साल जीने का वरदान देते आए हैं। भगवान, तुम्हें भी चाहिए हजारों साल जीने का वरदान तो बोलो, लेकिन स्वस्थ जियोगे मैं नहीं कह सकता। वकील साहब को लगा कि भगवान से निपटना तो कोर्ट कचहरी से भी अधिक पैंतरेबाजी वाला खेल लगता है। फिर वे भगवान को समर्पण भाव से बोले, प्रभु मुझे बख्शिए और स्वस्थ रहने का वरदान दीजिए। भगवान, तुम रात में कभी 10 बजे कभी 12 बजे खाना खाते हो, हमेशा अनायास ही जागरण करते हो, मदिरा पान करते हो, कूड़ा कचरा खाते फिरते हो, इतने आलसी हो कि कसरत एक न करते। तुमको लगता है कि जवान आदमी हो, बिना कसरत के ही सब कुछ सही रहेगा? तुम इतने सब रोगों के बीज हो रहे हो तो मैं तुम्हें भला कैसे स्वस्थ रख सकता हूं? मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन अपना स्वास्थ्य खुद संभालो। वकील साहब समझदार थे, भगवान की बातें उनको समझ में आ गईं। उन्होंने भगवान को उनकी मति ठिकाने लगाने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और
नियमित सात्विक जीवनचर्या का संकल्प लेकर मंदिर से बाहर निकले। तो ये थी आज की कहानी मन्नत। आशा है कि आप सभी को पसंद आई होगी। सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।